हेलो फ्रेंड, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो हाँ जी फ्रेंड, मैं आज ना आज मैं एक वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ, अब लोग टाइटल पढ़ के तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो मैं अपने मायके जाऊंगी आज, तो उसी के लिए कुछ तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैं मतलब खजूरिया बना रही हूँ, खजूर या ठेकुआ जो भी बोलते अलग अलग नाम से जानते हैं इसको, तो मैं वही बनाने की तैयारी यहाँ पे कर रही हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे ना मैंने मैदा को छान लिया है और उसके बाद मैंने सूजी को छानूंगी। और सूजी को मैदा को इसलिए छानते हैं कि उसमें ना कोई कई मतलब ज़्यादा दिन के होता है, पुराना होता है, तो उसमें ना कीड़ा लगा हुआ रहता है, तो इसलिए इसको छान के देख लेते हैं। लेकिन ये नहीं था, कीड़ा वाला नहीं था, एकदम साफ सुथरा था। तो यहाँ पे मैं छान के देख लेती हूँ कि मतलब इसमें कीड़ा है या नहीं। तो इसमें कीड़ा नहीं था तो मैं इसको ऐसे ही डाल दूँगी। और उसके बाद मैं इसमें ना ये रिफाइंड या घी जो भी है, तो मैं घी तो नहीं डालूँगी क्योंकि घी सबको पसंद नहीं होता है। तो मैं इसमें रिफाइंड डाल के उसके बाद खास्ता बनाई थी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बन चुका है ये खजूरिया, हम लोग यहाँ पे खजूरिया बोलते हैं। तो यहाँ पे ना चूल्हा पे बनाई थी। आयुष क्या खा रहा, तू दिखा दो। तभी हम लोग निकल रहे हैं, ये हो गया पैकिंग सैकिंग। क्या हुआ, और उसके बाद देखिए हम लोग रास्ते में हैं, हम लोग जा रहे हैं रास्ते में। हम ना बस से जाएंगे क्योंकि मेरे माई माई के में ना मेरे भाई सब भी मतलब घर पे नहीं है, तो मेरे भाई सब भी मतलब चल गया है बाहर। और अभी दुर्गा पूजा का नवरात्रि शुरू होने वाला है, खास करने ना मैं नवरात्रि के लिए जा रही हूँ। तो मैं नवरात्रि का फास्ट तो नहीं रखती हूँ, सप्तमी का उपवास करूँगी जिस दिन सप्तमी होता है उस दिन। तो उनमें नवरात्रि ना मेरे गांव में मतलब अच्छी तरह से होता है। वहाँ पे दुर्गा माँ जो है वो मतलब प्रकट हुई है आपरूपी, वहाँ पे मतलब मूर्ति नहीं बनता है, और मतलब दुर्गा माँ जो है वो मतलब उखड़ी है, तो वहाँ पे ना बहुत अच्छा से पूजा उजा होता है। तो इसलिए मैं बस से जा रही हूँ, हम आयुष मानसी, तो सब लोग मतलब बस से जा रहे हैं। हम लोग के यहाँ पे ना घर के पास से मतलब ऑटो ये लेंगे ऑटो, उसके बाद मतलब थोड़ी देर 5 मिनट के बाद मैं बस लूँगी। और ये बस ना मेरे घर तक जाता है, तो घर तक जाएगा मेरा बस ये बस, तो इसलिए हम लोग बस से निकल जाते हैं। ठीक है, बोल दो फिर से। मेरी मंच इसको मस्ती सूझ रहा है अभी। आप बोल दो, अब बंद हो गया। नानी गांव में मिलूंगा। और कुछ बोलना है? यो निकला मानसी हो गया रहा है। फ्रेंड को बोल रहा है मानसी, नहीं मानसी बीबीसी के बोझ में आ गया। और हम लोग का ना ज़्यादा सामान भी नहीं था, एक बैग था, और बैग में 4-5 दिन के लिए जा रही हूँ ना, तो इसलिए तो ज़्यादा सामान नहीं लूँगी। बच्चे का सिर्फ कपड़ा उपड़ा था, मेरा 2-4 साड़ी होगा, और मैं मम्मी के मेरे मम्मी को ना बहुत अच्छा अच्छा साड़ी है, तो मैं मम्मी का ही साड़ी पहनूँगी। तो इसलिए हम ज़्यादा कपड़ा नहीं था, सिर्फ एक बैग ही था, इसलिए हम लोग बस से निकल गए हैं। और ये देखिए हम लोग के गांव में एंट्री हो चुका है, तो मतलब एंट्री हो चुका है, मैं नाम तो नहीं बताऊंगी कि मेरा मायके किस गांव में है, तो इसलिए यहां पे देख सकते हैं। और यहां पे आयुष को लग चुका है भूख, तो आयुष को भूख लगा है तो इसके लिए वो गलगप्पा खाएगा। ऐसे ना मतलब मेरे मतलब हम लोग के गाँव में नहीं, हम लोग यहाँ पे बिहार में ना गोलगप्पा ना पानी पूरी बहुत सस्ता मिलता है। हम लोग दिल्ली में ना दिल्ली में 10 का 3 देता है, और गांव में ना 10 का 10 देगा, कहीं पे 10 रुपये का 10 गोलगप्पा देगा, और कहीं पे 10 का 7-8 इस तरीके से देता है। तो मतलब मन भर जाता है इतना में, और लेकिन दिल्ली में जो खाएँगे तो 10 का 3 देगा, 20 का 6 देगा, तो इस तरीके से थोड़ा वहाँ पर महंगा है।
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे ये जो चौक है ना, चौराहा, तो हम लोग का यही वाला यही मार्केट है। तो हम लोग का कुछ भी लेना रहता है ना तो यही मार्केट आता है, क्योंकि मेरा गांव जो है मायके का घर, वो मतलब बिल्कुल मतलब ये देहात एरिया बोलते हैं ना, उस गांव में ना मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है। थोड़ा छोटा मोटा दुकान है मेरे गाँव में, ये बड़ा दुकान सब राशन पानी का मतलब नहीं है, बड़ा बड़ा छोटा मोटा है, जैसे हो गया छोटा मोटा दुकान नहीं रहता है गांव घर में, उसी तरह से बिल्कुल मतलब देहात की मतलब है। तो यही मार्केट है हम लोग का, यही मार्केट में आता है हर छोट बड़ सामान लेने के लिए। तो यहाँ से हम लोग बाइक से जाएंगे घर, तो मोटरसाइकिल से आएंगे लेने, तो यहाँ से जाएंगे घर, आयुष खा लेगा पहले तब ना। हेलो फ्रेंड, तो मैं अभी आ चुकी हूँ अपने मायके, और मायके आने की खुशी देखिए कितना है। तो बस जस्ट अभी आई हूँ, मेरी मम्मी ना अभी घर पर नहीं है, तो अभी तो अकेले हूँ, फ़ोन किया हूँ, अभी आ रही है, कहीं गई हुई है, तो बैठे जाती हूँ। ये देखिए मेरी मम्मी के घर सब, बस गेट खुला था, और ये वाला देखिए इस पर ताला लॉक है, और जो दरवाज़ा है आंगन का वो खुला हुआ था, तो मैं आ गई हूँ। तो अब भी ना थोड़े से थकावट हो रही है, थोड़े से तो थक गए हैं, रास्ते से आते हैं तो थक जाता है आदमी। तो अब मेरे मायके का ब्लॉग मिलने को देखने को मिलेगा आप लोग को, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो मैं अपने मायके के वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आएगा, तो बस वीडियो पर बने रहिए। या देखिए आगे क्या सब दिखाती हूँ, क्या सब करती हूँ, मम्मी आएगी तो मिलाऊँगी, ठीक है। और आयुष को देखिए, आयुष क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बिट्टू, जूस पी लाऊं, क्या कर रहा, जूस पी लाऊं, क्यों जूस आ रहा है, कैसा लग रहा है जूस, अच्छा लग रहा है, अच्छा फ्रेंड को दिखा दो, फ्रेंड को दिखा दो, तो फ्रेंड पियेंगे, फ्रेंड से बोलो, चले फ्रेंड मिलती हूँ कुछ देर में, ठीक है। ये तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मतलब रात में हम लोग इस टाइम ना खाना पीना खा लिए थे, और सब लोग खाना पीना खा के लेटे हुए थे आंगन में ही, क्योंकि मतलब आंगन में ठंडा ठंडा हवा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मम्मी भी लेटी होगी, यहाँ पे देखिए मम्मी लेटी है, और आयुष मानसी को भाई यहीं पे लेटा दी हूँ, क्योंकि सब लोग यहीं पे था तो घर में वो अकेली रहती इसलिए। तो फ्रेंड सब बच्चे सब सो गया है, और अभी तो मैंने नहीं मिलाऊंगी, अभी खाना वाना खा लिए हैं, अब सोएंगे। तो अगले वीडियो में, कल का वीडियो में सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी अपने घर पे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हो गए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, ठीक है। ये देखिए मेरे मायके का घर कैसा है, मैं सब आप सबको दिखाऊँगी अगले वीडियो में, तो आप लोग वीडियो कंटिन्यू बने रहेगा, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड, ठीक है। चलिए मिलते, बाय।